जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ लड्डू गोपाल जी का स्पेशल श्रृंगार, जो आज मैंने नहीं किया है। तो आप देखिए आज लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार किसने किया है, और मैंने बनाया है लड्डू गोपाल जी के लिए स्पेशल भोग, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार के लिए यूज़ होने वाली हैं। और ये लिया है गोपी चंदन और तिलक स्टिक, जिससे लड्डू गोपाल जी का चंदन श्रृंगार होगा। तो फ्रेंड्स, आज चंदन श्रृंगार लड्डू गोपाल जी का मैं नहीं, मेरे हस्बैंड करने वाले हैं। काफ़ी दिनों से उनकी एक रिक्वेस्ट थी, और शायद लड्डू गोपाल जी भी यही चाहते थे कि वो मुझसे नहीं, हस्बैंड से चंदन श्रृंगार करवाएँ अपना। तो आज लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार मेरे हस्बैंड करेंगे, और ये वीडियो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है। और आप लोग भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि लड्डू गोपाल जी का आज का स्पेशल श्रृंगार कैसा लगा, क्योंकि ये श्रृंगार आज मैंने नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, ये गोपी चंदन का यूज़ कर रहे हैं लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करने के लिए। तो बस पतला चंदन का लेप लिया है, और लड्डू गोपाल जी के पूरे शरीर पर इन्होंने अच्छे से लगा दिया है। फ्रेंड्स, आज लड्डू लग रहा है बहुत खुश हैं, क्योंकि ये श्रृंगार आज ये मुझसे नहीं कराना चाहते थे। तो देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार होते देख, बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से लड्डू गोपाल जी आज ये श्रृंगार करवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बताना ज़रूर आप लोग कि कैसा लगा आप लोगों को लड्डू गोपाल जी का ये प्यारा सा चंदन श्रृंगार। और फ्रेंड्स, जब तक लड्डू का श्रृंगार होता है, इनके लिए भोग बना लेते हैं। तो मैं आज लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए बना रही हूँ लौकी का हलवा। तो ये मैंने लौकी, एक लौकी ली है छोटी सी, और उसे किस लिया है, तो कद्दूकस कर लिया है मैंने ये लौकी को। और बस मैंने लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए ही बनाई है, तो बहुत ही कम क्वांटिटी में आज मैं ये हलवा बना रही हूँ, क्योंकि घर में ज़्यादा मीठा भी कोई नहीं खाता है। तो लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए ये बना रही हूँ मैं। तो लौकी को मैंने दूध ऐसे घी में फ्राई कर लिया है, और बस अब मैं थोड़ा यहाँ पर फुल क्रीम मिल्क डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैंने फूड कलर ऐड किया है। अब मैं दूध अच्छे से बॉईल कर लूँगी, ताकि जो लौकी है वो दूध को सोख ले। आप चाहें तो उसमें मलाई या क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, खोवा भी ऐड कर सकते हैं। तो बस अब मैं इसे थोड़ा बॉईल होने दूँगी, और अब मैंने इसमें ऐड करे हैं बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो थोड़े ही ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें ऐड किए हैं, बादाम और काजू पीस कर डाला है। और बस मैं गार्निशिंग के लिए बाद में यूज़ करने वाली हूँ। तो ये मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, इलायची पाउडर डाला है, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर चीनी ऐड करी है। तो शुगर आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो। तो बस अब मैं इसे 2-3 मिनट तक और पकाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, दूध पूरा लौकी में सोख हो चुका है, और बस अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे इसे। फ्रेंड्स, ये देखिए लौकी का हलवा बनकर रेडी हो चुका है। बस अब देखते हैं लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कितना हुआ है। तो बस लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, इन्हें चंदन लग चुका है। बस अब चंदन थोड़ा ड्राई होने देंगे। तो फ्रेंड्स, चंदन सूख भी रहा है, और आप 10-15 मिनट तक वेट कर सकते हैं, ताकि चंदन जो है वो अच्छे से सूख जाए, और फिर हम लड्डू गोपाल जी का बाकी श्रृंगार कर सकें। इन्हें माला वगैरह पहनाना है, तो तिलक लगाना है, वो सारी चीज़ें चंदन श्रृंगार, जो चंदन है वो सूखने के बाद कर सकते हैं। और अब लड्डू गोपाल जी को इन्होंने लगाया है काजल। तो देखिए कितना परफेक्ट, और लग रहा है बस जैसे मैं ही लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर रही हूँ। बहुत ही प्यारा श्रृंगार, एकदम मेरे जैसा ही श्रृंगार, जैसा मैं श्रृंगार करती हूँ वैसा श्रृंगार हुआ है आज लड्डू गोपाल जी का। तो लग ही नहीं रहा कि मैंने नहीं किया इनका श्रृंगार, बहुत प्यारे लग रहे हैं मुझे तो लड्डू गोपाल जी। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, अब लड्डू गोपाल जी को पहना दी है ये प्यारी सी माला, और बस अब इन्हें फूलों के कंगन लगा रहे हैं, और ये इयररिंग्स लड्डू गोपाल जी को पहना दिए। तो आज ये ब्लू
जो कंगन पहनाए हैं उनके साथ ये इयररिंग्स बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और ये सारा श्रृंगार ही मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है लड्डू गोपाल जी का। बस अब लड्डू गोपाल जी को मुकुट लगा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने सुंदर लग रहे हैं ना लड्डू गोपाल जी। और अब लड्डू गोपाल जी को पकड़ा दी है इन्होंने बांसुरी, और लड्डू को बस बिठा दिया है उनके सिंहासन में। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हो गए हैं लड्डू रेडी और इनका प्यारा सा श्रृंगार भी हो चुका है। चंदन श्रृंगार किया आज इनका, और बस अब इनके भोग के लिए जो हलवा बनाया था मैं उसे थोड़ा ड्राई फ्रूट से गार्निश कर ले रही हूँ, और फिर हम लड्डू गोपाल जी को हलवे का भोग लगाएंगे। तो हलवा तो बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत ही डिलिशियस सा लग रहा है हलवा। तो पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आज लड्डू श्रृंगार मुझसे नहीं करवाना चाहते थे, बट मुझसे आज ये हलवे का भोग खाना चाहते थे। तो बस अब लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रहे हैं। देखिए लड्डू तो एंजॉय कर रहे हैं अपना लौकी का हलवा, और लगा दिया है मैंने इसका भोग इन्हें। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और ये भोग आप लोगों के लिए भी है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आज लड्डू का श्रृंगार कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, और जो मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बनाया वो आप लोगों को कैसा लगा। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ढेर सारा लाइक दीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ये वीडियो शेयर कीजिए, और अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय श्री कृष्णा।